हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। शरोज सारा व्लॉग पे आपका वेलकम है। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से भाई भी बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। और आज का व्लॉग जी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जी आज है संडे। और संडे के साथ साथ आज घर पे आए हुए हैं मेहमान। मेहमान कौन आए वो भी मिलवाऊंगा, अभी मिलवाता हूँ आपको। आपको बेसिकली वैसे भी बताया हुआ है कि दादू आई हुई हैं। दादू को मैं रात को लेके आया था घर पे, और मिलवाने का टाइम नहीं था क्योंकि रात को मैं लेट हो गया जॉब से। जल्दी जल्दी जैसे आया फौरन ही निकल गया, बाजार गया हुआ था, टाइम नहीं था मेरे पास इतना, जिसकी वजह से कोई काम भी प्रॉपर नहीं हुआ। और जी यहाँ मिले सोनिया से भी। सोनिया कर रही है घर का कुछ छोटा मोटा काम। और ये रहेगी हाई यूट्यूब फैमिली, सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक शिरोज व्लॉग। आज जी संडे है और हम चर्च नहीं गए, और दादा भी आए हुए हैं। मुबारक हो जी। किस बात की? संडे है, चर्च नहीं गए। बेइज्जती करेंगे, तारीफ कर रहे हैं। जो फील हो रही है वही है बस। बेइज्जती फील, समझ रहे हैं ना? समझ रहे ना, बस चर्च नहीं गए तो बेइज्जती फील हो रही है। यही है, यही है बस, समझ। तो क्या, क्यों नहीं गए? आपकी वजह से नहीं गए? मेरी वजह? अच्छा, जो भी घर में गलत काम होगा ना वो किसकी वजह से? शिरोज साहब की वजह से, हमारी वजह से, क्योंकि हम गलत है ना, इसलिए जो भी घर में काम होगा वो मैं करूंगा। क्योंकि ये तो ऑर्डर पे बने हैं ना ये लोग, इनसे थोड़ी कोई गलती होती है। ऑर्डर वालों से गलती कहाँ होती है? असि ते ऑर्डर ते बने हैं, तुसी ऑर्डर ते नहीं बने, इसलिए ताडे ते गलती है। मैं समझ रहा हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ और मानता भी हूँ। मैं मानता हूँ मैं गलत। ये ऑर्डर वाले नहीं कभी गलत हो सकते। आप परफेक्ट हो भाई, परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट हो, हमें पता है। अच्छा, तो क्यों नहीं गए चर्च? अब मेन वजह बताओ, आप खुद ही बता दो। मेन वजह बता रहे हो कि नहीं बता रहे? दादू आई भी नहीं इसलिए हम नहीं गए। पक्की बात है? दादू को टाइम देना, पक्की बात है? और तो नहीं कोई वजह? चलो सही है। या दादू से भी अभी आपको मिलवाएंगे, मिलवाएंगे। नाश्ता अभी किया? टाइम दिखाओ जरा क्या हो रहा है। टाइम 1 बज रहा है, नाश्ता अभी किया। ये गुड टाइम है, ये गुड टाइम है नाश्ते का। जब उठना, अल्लाह का भला, अल्लाह की बंदी की काम करने वाला, घर में मेहमान आए हैं, तू 1 बजे नाश्ता करवा रही है, तेरा दिमाग नहीं काम करता क्या? फिरोज साहब का दिमाग काम करता है जो इतनी लेट उठे। मैं तो 10 बजे उठ गया था भाई, ऐसे इल्जाम नहीं दो मुझे। सुबह से ना फोन पे लगे हुए सबसे बात कर रहे थे गांव पे, वीडियो कॉल पे। वो तो घर वाल बात तो मैं कर रहा था ना। मैंने थोड़ी नाश्ता बनाना है, नाश्ता तो इसका काम है। नाश्ता तो आपका काम है ना। कितने बजे बनाया था? थोड़ी बात कर रही थी। कितने बजे बनाया नाश्ता? 11 बजे। 11 बजे नाश्ता बनाया और 1 बजे दिया काम। देख लो, 2 घंटे नाश्ता बिल्कुल ठंडा बर्फ करके दिया। ये लोग फोन पे बात कर रहे थे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तुम्हारी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब ठंडा नाश्ता हमें दे दिया, ऊपर से चाय दी वो भी ठंडी। नहीं जी, उस वक्त भी फोन पे बात कर रहे थे अपने मामू से बात कर रहा था। तो अच्छा, इसका मतलब किसी से बात करूं तो मेरा फिर जो काम है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, मुझे मिलेगी तो खुद ही नहीं। आपने चाय पी, मैंने तो बना के रखी हुई थी। गलत बात है, सुधर जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुधर जाओ। जा नहीं सुधरना, जा सुधर जाओ। मैं बोल रहा हूँ, खान को बुला के लाओ, हम नहीं बदलते। नहीं बदल रहे? आप किसकी टीम में हो ये बताओ, नवाज शरीफ की, इमरान खान की? हम खुदा की टीम में। चलें जी सही है, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर आपसे दादो को भी मिलवाते हैं। और जी अभी मैं मिलवाऊंगा आपको किससे? दादो से मिलवाता हूँ। दादो आइए हमारे घर पे और मिलवाता हूँ दादो से। यहाँ मिले जी मेरी दादो से। हाँ जी दादो, सलाम। और सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र खुदावंदा। और घर में सब खैर है? सब। और जी यहाँ देखें जी, हमारे बैठे हुए हैं कुछ नकचड़े लोग बैठे हुए हैं, और ये कुछ करना चाह रहे हैं क्या यार? जल्दी करो, अपना काम करो, जो करने वाले थे जल्दी करो, जो सरप्राइज है जल्दी से उसे फिनिश कर। हाँ, दादी के लिए कोई गिफ्ट लेके आए हैं, क्योंकि क्रिसमस का महीना है और दादू भी आए हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। है सच में? हाँ। सच में
अरे वाह रे वाह मजे लो जी दादी जी आसवाड़ा सूट ले आए सिरोट साहब ओले भाई ओले भाई नहीं भाई हमारे घर में आप पहली बार आए अच्छा नहीं लगता नहीं पहले भी काफी दफा आई है लेकिन वो एक टाइम होता है ना ऐसा कि बंदा किस जगह पे आया और कैसे टाइम पे आया तो अच्छा नहीं लगता ना अभी तो दादी शादी पे भी आए और क्रिसमस का महीना भी खैर से है तो शिरोज साहब कह रहे भाई मेरे दादू आएगी तो सूट लेके देना मेरे दादू जी सही है ठीक है तो दादी कैसे लगा सूट अच्छा लगा अच्छा है क्या ये देखे जी हमारे घर में कोई शरारती भी है जो शरारतों से भरा हुआ है देख लें भाई देख लें चेक कर लें देख लें भाई देख लें देख लें देख लें मैं अपने दादा को कह रही ना आपको खोल के दिखाती हूँ शॉल वाला लेके आई अच्छा सर्दी के लिहाज से हाँ पता नहीं यहाँ से तो बस ऐसे ही मिलते हैं सारा नहीं करो ज्यादा मोटे हैं वो गांव से ज्यादा मिलते हैं क्योंकि पंजाब की साइड से ही मिलते हैं ज्यादा हमारे यहाँ से बस ऐसे ही मिलते हैं नॉर्मल सही है इतना भी प्यारा है ना जी बिल्कुल प्यारा है दादा को पसंद आ गया हाँ जी दादू को पसंद आ गया तो समझो समझो कि हमारा कामयाब हो गया गिफ्ट सारा कह रही मैं कार्ड दिखा रही हूँ तो कौन सा कार्ड दिखा रहे हो मेरी फूफा तो ओले भाई शादी का कार्ड हमने दिखा दिया हुआ था ऑलरेडी जिस दिन आया था जी जी दिखा दिया था वो दिखा रही है कि भाई इस दिन को ये है जी जी 12 तारीख को माइया है और 15 तारीख को है निकाह और जिसके साथ साथ 16 तारीख को क्या है जी बारात आखिरी फंक्शन ना बारात का ही होगा ना चलें जी और इसी के साथ फिर हमें दें जी इजाजत क्योंकि भाई की ड्यूटी का हो गया है टाइम और निकलना है ड्यूटी के लिए और देखें जी दाढ़ी शाड़ी उतरवाई है बाल शाल कटवाए हैं कैसी लुक लग रही है ये न्यू लुक मेरा आई थिंक मैंने ये पहली बार ये ऐसे पंजाबी स्टाइल सारा रखा है और कैसी लुक लग रही है आपने मुझे लुक ज़रूर बतानी है कमेंट में और इसी के साथ फिर मुझे दे जी इजाज़त सारा शरोज व्लॉग को दें इजाज़त और चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर अब इससे थोड़ी अच्छी ज़्यादा लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें वो भी थोड़ा सा फन कर लें यार अच्छा लगेगा उन्हें भी अच्छी कोई चीज़ देख के अगर अच्छी वीडियो लगे तो और मुझे यकीन है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और फिर हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब 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 प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हमें दे इजाज़त और बेल ज़रूर आई बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि हर आने न्यू वीडियो आने वाली आपके पास फोन से टक करके टन करके टक करके टन करके आपके पास पहुंच जाएगी हमें दीजिए इजाजत गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज़ मेरा कुछ कहना चाह रही थी जी बोले बेल जरूर दबाना ओ ले भी ये हमारा घंटी का जो है ना सायरन है ये बेल जरूर दबाना अब सारा ने कहा भाई अब तो बेल दबानी पड़ेगी जो सब्सक्राइब करेगा